हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10 के लिए है। यह वीडियो विज्ञान के अध्याय 8 अर्थात जीव जनन कैसे करते हैं से संबंधित है। इस वीडियो में अध्याय के अंदर दिए गए सभी प्रश्नों को हम बारीकी से समझेंगे और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। दिए गए प्रश्न में पूछा गया है, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? इसका उत्तर लिखेंगे, जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है। आप इससे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि कंप्यूटर में हम कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक वैसे ही जनन की क्रिया में डीएनए की कॉपी बनती है। जनन की प्रक्रिया में जनन कोशिका में डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनती हैं, यानी दो कॉपी बनती है। डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता है। तत्पश्चात एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाती हैं। इस प्रकार डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में विशेष महत्व होता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों? सबसे पहला हमें समझना है प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी स्पीशीज के अंतर्गत सभी जीवों में कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं। हमें यह बताना है कि जीवों में यह विभिन्नता पूरे स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु किसी एक खास जीव के लिए यह आवश्यक नहीं है। इसका क्या कारण है यह हमें बताना है। इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, पर्यावरण में कुछ उग्र परिवर्तन होने की स्थिति में स्पीशीज के सभी जीवों का समूल विनाश संभव है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी जीव पर्यावरण से सीधे संपर्क में रहता है। अगर पर्यावरण में कुछ उग्र परिवर्तन हो जाए तो ऐसी स्थिति में स्पीशीज के सभी जीवों का समूल विनाश संभव है। परंतु यदि स्पीशीज के जीवों में विभिन्नता होगी तो कुछ जीवों के जीवित रहने की संभावना है। अगर स्पीशीज के जीवों में विभिन्नता होगी तो इस विभिन्नता के कारण ऐसी परिस्थिति में भी कुछ जीवों के जीवित रहने की संभावना बनी रहती है। अतः जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। दिया गया अगला प्रश्न है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर लिखेंगे, द्विखंडन बहुखंडन से निम्न प्रकार से भिन्न है। टेबल में एक तरफ हम लिखेंगे द्विखंडन और दूसरे तरफ लिखेंगे बहुखंडन। अगर द्विखंडन की बात की जाए तो इस विधि में जीव दो समान भागों में विभक्त हो जाती है, जबकि बहुखंडन में जीव अनेक भागों में विभक्त हो जाती है। द्विखंडन का सबसे अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है अमीबा में और लेश्मानिया में। अमीबा में द्विखंडन कोशिका की किसी भी तल से हो सकती है, जबकि लेश्मानिया में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। इसी प्रकार बहुखंडन का उदाहरण देखने को मिलता है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम में जीव अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न में हमने द्विखंडन और बहुखंडन के मध्य अंतर स्पष्ट किया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। दिया गया अगला प्रश्न है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले आप इस डायग्राम को देखें। इसमें एक विशेष प्रकार के कवक को दिखाया गया है जिसका नाम है राइजोबस। यह नम ब्रेड पर धागे के रूप में विकसित होता है।
आप इस चित्र में देख सकते हैं इसमें गोल गोल संरचनाएं हैं जिसे बीजाणु धानी कहा जाता है, जिसके अंदर बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु क्या है? ये विशेष प्रकार की छोटी छोटी संरचनाएं हैं जो जनन की क्रिया करती है। इस बीजाणु के चारों ओर मोटी भित्ति होती है जिसके कारण ये बीजाणु विषम परिस्थिति में भी जिंदा रह सकती हैं, और परिस्थिति अनुकूल होने पर प्रत्येक बीजाणु नए राइजोपस के जीव का निर्माण करते हैं। इसमें छोटे छोटे बीजाणुओं को इस चित्र में दिखाया गया है। अब इस प्रश्न का जब आप उत्तर लिखेंगे तो यह डायग्राम बनाना आवश्यक नहीं, यह हम समझने के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। अब आइए इसका हम उत्तर लिखते हैं। राइजोपस में बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है। बीजाणु मोटी भित्ति से घिरी होती है जिससे वह प्रतिकूल परिस्थिति का सामना कर सकती है। अनुकूल परिस्थिति मिलने पर यह वृद्धि करने लगती है और नए जीव का निर्माण करती है। अतः बीजाणु प्रतिकूल परिस्थिति से वंश को बचाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं बीजाणु द्वारा जनन से जीव लाभान्वित होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब प्रश्न है, क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नए संतति उत्पन्न नहीं कर सकते? इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, पुनरुद्भवन में सरल जीव जैसे हाइड्रा एवं प्लेनेरिया के प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पूर्ण जीव बन जाते हैं। कुछ ऐसे सरल जीव होते हैं जैसे कि हाइड्रा एवं प्लेनेरिया। इस प्रकार के जीव को अगर कई टुकड़ों में काट दिए जाएं तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर एक पूर्ण जीव बन जाते हैं। इस प्रकार की परिघटना को पुनरुद्भवन कहा जाता है। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते, इसका क्या कारण हो सकता है? अब आगे हम लिखेंगे, क्योंकि ऐसे जीवों में कोशिकाएं विभेदित नहीं रहती है। अब सवाल यह है कि जब इस प्रकार के जीव में पुनरुद्भवन हो सकता है तो जटिल जीव में क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि इस प्रकार के सरल जीव यानी हाइड्रा और प्लेनेरिया में जो कोशिकाएं होती हैं ये विभेदित नहीं होती हैं, परंतु जटिल जीवों में कोशिकाएं विभेदित होती है। इसलिए जटिल जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर पूरा हुआ। अब हम अगला प्रश्न लिखेंगे। अगला प्रश्न है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उत्तर लिखेंगे, कायिक प्रवर्धन के निम्नलिखित लाभ है। पहला, बीज रहित पौधे जैसे केला आदि के प्रजनन के लिए कायिक प्रवर्धन एकमात्र उपाय है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं जैसे कि केला। इस प्रकार के पौधों का प्रजनन का लिए एकमात्र उपाय है कायिक प्रवर्धन। अगला कारण है, इस विधि द्वारा उगाए गए पौधों में फूल तथा फल जल्द आते हैं। अगर आप पौधों को बीजों द्वारा उगाएंगे तो इसमें फूल और फल आने में समय लगता है, परंतु कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में फूल तथा फल जल्द आते हैं। इसी प्रकार अगला कारण है, इसमें जनक के समान गुणों वाले पौधे उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगर आप कायिक प्रवर्धन द्वारा पौधे उगाएंगे तो इसमें जो पौधे हमें प्राप्त होंगे, जो संतान प्राप्त होंगी, ये समान गुणों वाली होगी जैसे कि जनक का होता है। इन्हीं सभी कारणों से कायिक प्रवर्धन उपयोगी होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया अगला प्रश्न है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? उत्तर लिखेंगे, जनन की प्रक्रिया में जनक के गुणों के समरूप गुणों वाली संतान की प्राप्ति होती है।
डीएनए की प्रतिकृति के परिणाम स्वरूप ही वंशानुगत गुणों से युक्त संतान उत्पन्न होते हैं। अतः जनन के लिए डीएनए की प्रतिकृति आवश्यक है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अब इस प्रश्न में पूछा गया है, परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर हम लिखेंगे, परागण तथा निषेचन में निम्नलिखित अंतर है। टेबल में एक तरफ हम लिखेंगे परागण और दूसरे तरफ लिखेंगे निषेचन। अगर परागण की बात की जाए तो इसमें हम लिखेंगे, परागकणों का पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। फूलों में पुंकेसर नर जनन अंग का भाग होता है, जबकि वर्तिकाग्र मादा जनन अंग का भाग होता है। परागकणों का स्थानांतरण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक होता है और इस क्रिया को परागण कहा जाता है। जबकि निषेचन क्या है, नर और मादा युग्मक संलयित होकर युग्मनस बनाते हैं, जिसे निषेचन कहा जाता है। परागण के लिए वाहकों की जरूरत होती है। फूलों में परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा, जल द्वारा, कीटों द्वारा या फिर अन्य जीवों के द्वारा होता है। यानी परागण के लिए वाहकों की जरूरत होती है, परंतु निषेचन के लिए वाहकों की जरूरत नहीं होती है। परागण की अगर बात की जाए तो यह जनन का प्रथम चरण है, जबकि निषेचन जनन का द्वितीय चरण है। इस प्रकार इस प्रश्न में हमने परागण और निषेचन के मध्य अंतर स्पष्ट किया। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अध्याय के अंदर दिया गया अगला प्रश्न है, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? उत्तर लिखेंगे, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इस स्राव के कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है, साथ ही यह शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है। इस प्रकार शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की विशेष भूमिका होती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? उत्तर लिखेंगे, यौवनारंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला, स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। दूसरा, कान एवं जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्रों में बालगुच्छ निकल आते हैं। लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है और विपरीत लिंग की ओर आकर्षण होने लगता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जवाब पूरा हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? उत्तर लिखेंगे, गर्भस्थ भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण प्राप्त होता है। गर्भाशय की भित्ति में एक विशेष संरचना धसी होती है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह मां से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थ उपलब्ध कराती है। साथ ही यह भ्रूण द्वारा उत्पन्न की गई अपशिष्ट पदार्थों को मां के रुधिर में स्थानांतरित करती है। इस प्रकार भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण प्राप्त होता है। दिया गया अगला प्रश्न है, यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा? उत्तर होगा, नहीं, कॉपर टी यौन संचरित रोगों से रक्षा नहीं करेगी। कॉपर टी केवल एक गर्भ निरोधक युक्ति है, जो गर्भधारण से बचाव करती है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय के अंदर दिए गए सारे प्रश्नों को समझा और उन सभी प्रश्नों का उत्तर लिखा। अगर आप
इस चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए सारे क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं और उन सभी क्वेश्चंस का आंसर लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल पर एक अलग वीडियो है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दी गई है, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नए वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, हमारी मेहनत को सफल बनाने के लिए इस वीडियो का आप लाइक जरूर करें, साथ ही साथ इस कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।